श्री आशीष बुटेल जी को जन्मदिन एवं हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। जोगिंद्रनगर पुलिस ने पालमपुर के दो युवकों से नाके के दौरान 231 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार जोगिंद्रनगर पुलिस ने मंडी पठानकोट हाईवे पर हराबाग में नाका लगाया था। इसी दौरान देर शाम दो युवक मंडी की तरफ से पालमपुर जा रहे थे। पुलिस ने दोनों को तलाशी के लिए रोका। युवक हड़बड़ाहट में दिखे। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों की तलाशी ली और 231 ग्राम चरस बरामद की। प्रभारी प्रीतम जरियाल ने बताया कि युवकों पर NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया व दोनों को सोमवार के दिन न्यायालय में पेश किया जाएगा। DSP लोकेंद्र नेगी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उज्जवल हिमाचल के लिए जोगिंद्रनगर से जतिन लटावा की रिपोर्ट। दिनांक 8/1/2023 को नागचाल के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। गाड़ी में चेकिंग कर रहे थे। दिन के समय एक मोटरसाइकिल आया जिसे चेकिंग के लिए रोका गया, जिसको चालक विकास कुमार चला रहा था। उसके पीछे अभि कुंडल बैठा था, तो पीठू बैग था उसके पास। पीठू बैग की चेकिंग की गई तो उसमें जो है 231 ग्राम चरस पाई गई है, जो NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें आज अदालत में पेश किया जा रहा है। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।